Hello students, welcome to whiteboard classroom. Today we are start question number 5th. ठीक है, exercise 3.3 का. इसमें क्या बोला है, write the smallest digit and the largest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. हमें एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है, मतलब जैसे ए पार्ट जो है मैं बताऊँ 6, 7, 2, 4. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि आपको ब्लैंक जो ये ब्लैंक आपका स्पेस है, इसमें आपको ऐसा नंबर फिल करना है जो जब हम इसमें जो भी नंबर फिल करें और वो पूरा नंबर फिर हमारा डिविजिबल हो जाए 3 से. तो हम देखो, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे. ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट. अगर आप इसमें 1 और 2, तो 1 तो जाएगा ही नहीं 3 से ना, 2. अगर हम 2 करके देखते हैं, चलो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर हम 2 करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इन सबको ना प्लस कर लेंगे, और प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो हमारा 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से विजिबल है. अगर हम 1 लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 1 लिखने के बाद, ये आएगा 7, 7, 14, 16, 20. ठीक है, तो 20 तो 3 से विजिबल है नहीं, तो हम 2 से करते हैं 2. ठीक है, 6 + 7 + 2 + 4, तो कितना आएगा ये, अगर इसको प्लस करोगे तो 21. तो 21 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई, 2. ठीक है, अब हमें लार्जेस्ट बतानी है. ठीक है, सिंगल डिजिट में ही देखनी है हमें. तो अगर हम यहाँ पे लार्जेस्ट में, अगर 9 ही होती है लार्जेस्ट, अगर हम 9 करते हैं, करके देख लेते हैं क्या ये प्लस करने के बाद फिर इसे डिविजिबल है या नहीं है. 9 को लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 28. तो 3 से विजिबल नहीं होता, तो 9 तो नहीं होगा. अगर हम 8 को करें, ठीक है, तो क्या 8 है, हाँ 8 + 6 + 7 + तो आप करके दिखाओगे कि है या नहीं है, आप मुझे बताओगे क्या 8 है या 8 भी नहीं है. ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दो. ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भी सेम है, हमें ब्लैंक स्पेस बनना है और इसमें डिविजिबल बताना है हमें 11 से. तो हम क्या करेंगे, हम वही 3, 8, 9. ठीक है, हमें 11 से बताना है, तो हम वही चीज़ करेंगे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों बताने हैं. अगर हम लार्जेस्ट में अगर हम 8 फिल करें, ठीक है, 9, 8 और 8. ठीक है, अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें फिल करें 8, 9, 2, या अगर हम 8 फिल कर रहे हैं, तो क्या हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको पूरे को नहीं, क्योंकि हमें 11 है, तो 11 के लिए 11 इज़ अ ऑड नंबर. तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर का निकालेंगे प्लस करके, फिर इवन नंबर का निकालेंगे, उनका जो आंसर आएगा देन उनका डिफरेंस करेंगे. अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा. तो हम पहले ऑड प्लेसेस को चेक करते हैं. ठीक है, तो ऑड प्लेस में क्या क्या आएगा, 9 + 9 + 8 + 8. ठीक है, हमें ऑड प्लेस चेक करनी है. 9 ये पहला क्या होता है हमारा, ऑड, फिर इवन, फिर और, फिर इवन, फिर और, फिर इवन. ठीक है ना, तो ऑड के प्लेस क्या है, 9, 2, 8. ठीक है, 9, 8 और 8, तो कितना आएगा ये 25. अगर हम इवन प्लेस के चेक करें तो क्या आएगा ये 2 + 3 + 9, कितना 14. अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11. तो 11 क्या है आपके, 11 तो आपका डिविजिबल है 11 से. तो ये नंबर, मतलब यहाँ हमारे ब्लैंक स्पेस में क्या नंबर आएगा, 8.
इट इज अ आंसर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। हमने पहली क्लास में सीखे थे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लाइक 20 एंड 28 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 4 5 जा, ठीक है 5 तो आ ही गया, तो अब तो हो रहा ही नहीं, तो कितने फैक्टर, 1 2 4 5 10 और 20, ये कितने फैक्टर हो गए ना 20 के। ठीक है, अब हम करेंगे 28 के। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 14 और 4 से भी जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 तो आ ही गया, तो इसके कितने हो गए, 1 2 4 7 14 और 28, ये क्या हो गए आपके 28 के फैक्टर्स। तो इसके आप अब सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे ऑल पार्ट, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना आप करके रखोगे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।